हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी देखिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें चाहिए आटा और गुड़। ये 50 ग्राम गुड़ है, इसको मैंने पानी में घोल कर रखा है। और ये करीब 100 ग्राम आटा है। तो अब हम हनुमान जी के भोग लगाने का मीठा रोट बनाएंगे। आज हनुमान जी का दिन है, जेठ का पहला बड़ा मंगल है, तो इस दिन हनुमान जी को विभिन्न प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाता है। तो मैं आज हनुमान जी को मीठे रोट का भोग लगाने जा रही हूँ, तो इसके लिए आप सब भी आइए मेरे साथ बनाइए। अब ये घुले हुए गुड़ को हम आटे में मिलाएंगे, लेकिन इसको छान लेंगे कि अगर गुड़ में किसी तरह की गंदगी है तो वो आटे में ना जाए। ये गुड़ मेरा पूरा घुल चुका है, इसमें जरा भी गुड़ नहीं बचा है। अब ये आटे का मैं अच्छी तरह से गुड़ और आटे का डो बना ले रही हूँ। इसमें अलग से पानी नहीं डाला है। आटा हम इसी अंदाज से लेते हैं कि गुड़ और आटे का ही डो बन जाए। ये डो हमारा रेडी हो गया है, इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं आटे को रखे हुए। अब हम इसको अच्छी तरह से ठीक करके और अब इसके रोट बेलेंगे। मैंने तवा गैस पर चढ़ा दिया है, अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। ये रोट मैंने बेल कर डाल दिया है, अब थोड़ा सिक गया तो अब हम इस पर घी लगाएंगे। हनुमान जी के रोट में तेल वगैरह नहीं लगाया जाता है, ये देशी घी में ही बनाया जाता है। और इसको हम इस तरह से भी कर देंगे जिससे घी अंदर तक भर जाए। हमारा सिककर तैयार हो गया है। इसको सादा रोटी या पराठा नहीं कह सकते हैं, ये गुड़ से बना हुआ हनुमान जी का प्रसाद है और ये इसी तरह से बनाया जाता है।